नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज हम जो जेपीटी क्वेश्चन 2019 में हुआ था, उसमें जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे, उनको जो हम इस क्लास में जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की ये डेमो वीडियो रहेगी, जिसमें काफी क्वेश्चंस होंगे, हम उनको जो है आज इसमें करेंगे। बट जो क्लासेस होंगी वो हमारी रेगुलर चलेंगी, चैप्टर वाइज। जो आगे जैसे हम 1 अप्रैल से जो हमारा शेड्यूल है, तो एक एक करके जो भी क्वेश्चन उनको हम देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है द एचसीएफ ऑफ 595 एंड 252। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सभी हिंदी वाले हैं, अगर इंग्लिश वाला है तो कोई बता सकता है? सभी हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाला है कोई तो बता सकता है? आप खुल के बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी हिंदी वाले हैं? हाँ सर, चलेगा हिंदी जहाँ इंग्लिश दोनों। दोनों चलेगा? ठीक हाँ है, मैं दोनों में सर, बताऊंगा साथ साथ में। एचसीएफ को हिंदी में हम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, साथ में एक एलसीएम होता है जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। बट आज जो क्वेश्चन आया है हमें, वो आया है एचसीएफ से। हमें बोला गया है कि इन दोनों का जो है एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस तरीके से फाइंड करते हैं इसको? हम तीन तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, बट जब हमारी क्लासेस चलेंगी तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टाइप है। बट आज आप क्वेश्चन देखते चलें, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आपके पास जो है कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें ओके किस तरीके से इसको करेंगे। इसको हम जो एचसीएफ निकालने का एक फॉर्मूला है, तीन मेथड है। मैं एक मेथड यहाँ पे ले रहा हूँ, जिसे जो बड़ी रकम है उसको आप अंदर लिखोगे, जैसे 595, और अपना जो अपना माइक उसको ऑफ कर सकते हैं। आपके माइक की आवाज आ रही है, आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप ऑन कर लें, ऐसे आप अपना माइक जो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट, जिसे जो डिवाइड होता है भाग होते हैं, उसके तरीके से नहीं करते हैं। एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो अलग है। किस तरीके से, वैसे जैसे किस तरीके से करेंगे? अब हम जो हैं, जो 252 है उसको उससे डिवाइड करेंगे किसको? 595 को। किस तरीके से? अब देखो, 252 को हम डिवाइड करेंगे, पहले इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि 252 टू से जो है ये हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 3 से अधिक ज्यादा हो जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे? 2 2 4, 2 5 10, और 2 2 4 और 1 5, तो कितना आया? 504। 252 का कितना होता है? 252 2 5 4। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 5 में से 1 4 चले गए तो 1 बचा, और 9 के 9 आ गए, और जो 5 5 से 5 कट गया। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो जो रिमाइंडर निकल के आता है, शेषफल निकल के आता है, वो डिवाइड करने वाला बन जाता है, और जो जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे होते हैं वो अंदर चला जाता है। किस तरीके से? जैसे 252, इसको हम इस तरीके से करते हैं। हम कब तक करेंगे? जब तक हमें जो है रिमाइंडर लास्ट में 0 ना मिल जाए। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे आगे इसको? इसको भी आप मल्टीप्लाई करके चेक करें। 91 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना है आया हमारे पास? 182। आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको माइनस किया तो कितना निकल के आया? 2 में से 2 चले गए तो 0। यहाँ से 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो कितने बन गए यहाँ पे? 15 बन गए, और यहाँ पे 0 बन गया, 1 बच गया। 15 में से 8 चले गए तो कितने बचे? 7। ठीक है, तो ये भी डिवाइड करने वाला बन गया, और ऊपर से हम क्या लेंगे? 91। अब 1 के साथ हो जाएगा ये, तो कितना बचा? 1 1 आ गया, और 9 9 में से 7 चले गए तो 21। 70 अंदर आ गया। करो आप इसको, 3 के साथ चला जाएगा ये, 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 21 3 साइड में कर लेंगे, 63। और जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 7, और अंदर के चला गया 21। अब सॉल्व हो जाएगा ये, 7 3 से कितना होता है? 21। तो हमारा जो रिमाइंडर कितना बचा है वो 0।
ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसको निकालने के दो मेथड और भी हैं। जब हमारी रेगुलर क्लास चलेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है दूसरे मेथड से भी ये होता है, जो आपको ठीक लगेगा मेथड आप जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका एचसीएफ जो होगा, जो लास्ट में जिससे पूरा जो डिवाइड हो जाता है वो इसका एचसीएफ होगा। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना निकला, 7। इसमें आपको ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए था हमारे पास 1, ऑप्शन बी था 7 जो हमारा राइट आंसर है, और ऑप्शन सी था हमारे पास 11 और ऑप्शन डी था हमारे पास 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ आया आपको, बता सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा सा लगा बता। हाँ जी सर, ठीक समझ है, आया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10^6। ये क्वेश्चन आया था आपको। पावर का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x^4, इसका मतलब हुआ x जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अगर x^2, इसका मतलब है कि x जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। जो सिंपल मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, कौन सा, 1/4। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरो जो है नीचे लग जाती हैं, और मल्टीप्लाई में अगर आप उसको भी खोल लें तो कितनी जीरो बन जाएंगी, 6 जीरो। किस तरीके से, इसका मतलब हुआ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने बार, 10 टाइम्स, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट की, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 4 जीरो हमारे पास आ गई। तो ये जो आपका आंसर है, इसमें इसमें आपको ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए था आपके पास 314, ऑप्शन बी था 3140, ऑप्शन सी था जो आपका आंसर आया है, ठीक है, और ऑप्शन डी था नन ऑफ दिस। तो ये आपको ऑप्शन दिए थे, समझ आया ये वाला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया हमने इसमें। जो डेसिमल था उसको हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज किया, बटे की फॉर्म में चेंज किया, और जो 10^6 था उसको जो हमने सिंपल खोल लिया और जो कटा उसको काट दिया, और आंसर जो हमारे पास आ गया। जेबीटी कमीशन जो हुआ था 2019 में, उसमें 13 और 14 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको सभी सॉल्व कर सकते हैं, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो भी कर सकता है, और जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो भी कर सकता है। तो आपको हम ये सभी करवाएंगे, जब हम चैप्टर वाइज जो है सारे चैप्टर एक एक करके करेंगे तो हम बिल्कुल सिंपल लेवल लेके चलेंगे, ताकि आप जो है थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है आपको इसमें ना हो। इसमें 5 ही क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के थे, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल मान्य लेवल के थे, 0 लेवल के थे, बिल्कुल आसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक बोल रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आप बता सकते हैं। नहीं सर, ठीक बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समझ फर्स्ट आ क्लास है, और अच्छा क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो होता है, क्योंकि हमारे लिए भी नया है, तो अगर आप कंफर्टेबल, अगर स्लो बोलना है तो मैं स्लो भी बोल सकता हूँ। नहीं सर, ठीक समझ है, आ रहा है। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था बोर्ड मास का, 171 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 9। ये क्वेश्चन आपको आया था, इसके ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन आपको थे 1, ऑप्शन बी था 18, ऑप्शन सी था 81, और ऑप्शन डी था, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बोर्ड मार्क्स जो है ये सिंप्लीफिकेशन के अंडर आता है, और सिंप्लीफिकेशन के हमें जो है 2-3 क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। बोर्ड मास जैसे BODMAS, B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब इंग्लिश में होता है ऑफ, और हिंदी में होता है का। D का मतलब सभी को पता है डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, A का एडिशन, और S का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, माइनस भी बोलते हैं। जिस तरीके से ये सीरियल वाइज दिए हैं वैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मान लो अगर आप 19 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है यहीं पे गलत हो जाएगा,
तो ये छोटी छोटी जो बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब इसमें सबसे बड़ा साइन कौन सा है, आपको ना ही बी दिया है ना ही ओ दिया है, तो सबसे बड़ा साइन कौन सा आपका, डी है। तो हम जो किसे सॉल्व करेंगे, 171 को 19 के साथ डिवाइड करेंगे पहले, तब ये क्वेश्चन राइट होते हैं। क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ये सारे ऑप्शन आप किसी भी तरीके से घुमा के करोगे तो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, बट जैसे ही जो आपका रॉन्ग आंसर है वो उसमें जो राइट है उस टाइम हो जाता है। तो आपने जो जो बेसिक है उसको ध्यान में रखना है। तो किस तरीके से करेंगे, हमने क्या किया, यहीं से फर्स्ट टाइम में इसको डिवाइड कर लिया, 19 19 19 171। तो क्या बचा हमारे पास, 9 × 9, और हम जब मल्टीप्लाई किए तो क्या निकला हमारे पास, 81। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वर्गमूल का क्वेश्चन है, स्क्वेयर रूट का क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि इसका स्क्वेयर रूट क्या होगा, 171 61। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए हैं 129, ऑप्शन बी है 119, ऑप्शन सी है 121 और ऑप्शन डी है 99। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो लास्ट के दो दो का पेयर बनाते हैं, जैसे 61 का पेयर बन गया, 71 का पेयर बन गया और आगे 1 का बन। इस तरीके से हम वर्गमूल को सॉल्व करते हैं। इसको निकालने का पैटर्न दूसरा भी है, कौन सा, ये वाला। जैसे आपको पता होगा कि इसमें हम दो दो का पेयर बनाएंगे, बट मैं आपको आज ये वाला मेथड बता रहा हूँ, जब हम चैप्टर करेंगे तो ये वाला मेथड भी बताऊंगा। इसमें जो सबसे फर्स्ट है उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट के हमारे पास पेयर में 1 है, तो इसमें जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हम स्क्वेयर की तरह इसको यूज करते हैं। किस तरीके से, 1 1 1 1, कितना बना, 0। जब हम स्क्वेयर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो जो जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो नीचे आकर डबल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और जब हम यहां से वो नीचे उतारेंगे तो पूरा पेयर नीचे उतरता है, तो कितना उतरेगा, 71। हम इसको किस तरीके से करेंगे आगे, जैसे 2 दिया है तो 2 हम इसको उस नंबर से चेक करेंगे जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से, जैसे मैं 21 को अगर 2 के साथ, जैसे 21 है तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 22 लूंगा तो 2 के साथ करूंगा, अगर 23 लूंगा तो 3 के साथ करूंगा। वर्गमूल में इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 2 से करूंगा तो 2 2 जब यहाँ 44 आएगा, 2 2 जब 4 और 2 2 जब 4, और 3 से करूंगा तो क्या आएगा, 3 3 9, 3 3 9 और 3 2 6। तो किसके साथ गया ये, 3 के साथ। नियर बाय देखते हैं हम कितना आ गया, 69। 71 में से 69 चले गए तो कितना बचा, 2 बचे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये जो पूरा पेयर है उसको नीचे ले आएंगे 61, और इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ जो यहाँ पे हमने किसके साथ किया, 3 के साथ किया, तो जो फर्स्ट वाला होता है वो वैसा का वैसा नीचे उतर आता है और जो नेक्स्ट वाला होता है वो डबल हो जाता है। जैसे जैसे 3 का डबल कितना होगा, 6। तो आगे हम किस तरीके से करेंगे, आगे हम 1 के साथ करेंगे, तो 1 के साथ जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 261। 261 को जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम टू सेम पैसा आ जाता है, तो कितना आंसर आया यहाँ पे, 0। तो आपका जो वर्गमूल है वो कितना निकला, 131। आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में कौन सा आपका राइट होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। अगर अपना क्वेश्चन देखना है, लिखना है तो अभी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कोई भी अगर अपना लिखना हो, उतारना हो कॉपी पे, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं रुक सकता हूँ थोड़ी देर। आज आप लेक्चर को देख लो, जब नेक्स्ट टाइम हम क्लास लगाएंगे तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5।
सो तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? सबसे पहले आपको विषम संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इंग्लिश में अगर कोई है तो वो भी लिख सकता है द एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर अप टू 100, कि जो एवरेज है 100 तक ओड नंबर की वो क्या होगी। तो किस तरीके से करेंगे, मैंने एक फर्स्ट आपको डेमो दिया था जिसमें मैंने थोड़ा सा जो नंबर्स हैं उनके बारे में आपको बताया था, तो उसमें जो ओ नंबर थे वो भी थे। तो ओ नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो दो के साथ डिवाइड ना हो उनको हम ओ नंबर बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। तो 100 तक कौन से नंबर होंगे, जैसे फर्स्ट होगा 1, सेकेंड होगा 3, नेक्स्ट होगा 5 और कहाँ तक 99 तक, 100 तो सम संख्या है। तो ये टोटल मिला के कितने होंगे, जैसे 100 हैं, टोटल 100 हैं तो 50 तो इसमें सम संख्या ही होंगी और 50 क्या होंगी, 50 ओड होंगी। तो हमारे पास जो एन है टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ से 1 टू लेकर 99 तक, वो हो गए 50। जब कभी आपको किसी क्वेश्चन की औसत निकालने के लिए आती है तो उससे पहले आपको जो उसका सम चाहिए, ठीक है, तो हम पहले इसका सम निकालेंगे। सम किस तरीके से निकालेंगे, अगर हम एक एक करके जोड़ेंगे तो पूरे एग्जाम में सिर्फ हमारा एक ही क्वेश्चन होगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको हम एक फॉर्मूले से करेंगे, फॉर्मूले मैं आपको आज एक बताऊंगा, बट जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर में तो आपकी भी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। फॉर्मूला कौन सा है सम के लिए, सम के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सम ऑफ नंबर्स। ये इवन के लिए भी लग जाता है और ओड के लिए भी लग जाता है। किस तरीके से, जो आपका लास्ट नंबर है उसको हम एल लेंगे, जो आपका फर्स्ट नंबर है उसको ए लेंगे, और एन जो आपके पास यहाँ पर दिया है तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे फॉर्मूले में, एल प्लस ए अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई एन। ये आपका फॉर्मूला है सम निकालने का। कई बार क्वेश्चन सम सम से भी आ जाता है कि नंबर ऐसे आपको टर्म दी है और उसका सम क्या होगा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तब भी आप कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वैल्यू पुट करो, 99 लास्ट नंबर आपका ए क्या था, 1 था, अपॉन पे 2 और मल्टीप्लाई में एन कितना है 50, तो ये कितना बन गया 100 बन गया। 100 में से जब इसको पूरे को काट देंगे तो कितना बच गया हमारे पास 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 50 तो क्या बचा, मल्टीप्लाई कर लो 2500, तो ये आपका सम निकला। सम के बाद आपको पूछा है एवरेज, एवरेज के लिए औसत के लिए आपको सम की जरूरत पड़ती है। इस औसत का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपके नंबर दिए हैं उनका सम और अपॉन में नंबर, जितने नंबर हैं। तो सम कितना आपका, सम कितना निकला 2500 बटे एन कितना है 50, तो इसको जब हम काटेंगे तो क्या निकल के आएगा 5 बजे 25 25, तो 0 साथ मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना बना 50। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 50। ऑप्शन आपको दिए थे, ऑप्शन में क्या था 51 था, ऑप्शन बी में 50 था, ऑप्शन सी में 49.5 था और ऑप्शन डी में 49 था। समझ आया ये वाला क्वेश्चन, आप बता सकते हैं समझ आया ये वाला क्वेश्चन। यस सर, समझ आया। अच्छा, इसमें पहले हमने क्या किया, जो ओ नंबर थे उनको लिखा, उसके बाद इसका सम निकाला और बाद में उसकी एवरेज निकाली। तो आगे बहुत से क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से भी आते हैं तो हम एक उन सभी को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एट रेस टू पावर 2/3, इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन आया था। आपको जो है लगभग 50% जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल होगा और कुछ क्वेश्चन उससे हाई लेवल के होंगे। तो इसके ऑप्शन क्या थे,
ऑप्शन है 3 × 1/3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 × 1/2, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। हम इस क्वेश्चन को भी दो मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड मैं आपको बता देता। फर्स्ट मेथड किस तरीके से, ए चेस्ट टू दी है 2/3। जब हमें कोई टर्म पावर में दी होती है उसका मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास है एक्स रेस्ट पावर ए और उसकी पावर बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर में है वो आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इन जो पावर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो क्या बनेगा हमारे पास, ए रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर ए बी, इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो यही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, किस तरीके से ए रेस्ट पावर 2 और उसकी पावर में 1/3, इस तरीके से भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। जब हमने इसको ब्रेक किया तो क्या बना, ए रेस्ट पावर 2 का मतलब क्या हुआ, ए रेस्ट पावर 2 का मतलब हुआ ए जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना बना 64, 64 रेस्ट पावर 1/3, 64 रेस्ट पावर 1/3। अब 1/3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्यूब रूट में, जिसे हम हिंदी में घनमूल बोलते थे। इसमें जब हम स्केयर रूट निकालते हैं तो 2 2 का पेयर लेते हैं, जब फैक्टर करके 2 2 का पेयर लेते हैं 2 2 का पेयर, और जब क्यूब रूट होता है तो हम 3 3 का पेयर लेते हैं। तो हम जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से 4 × 4 × 4। आप जो है साइड में निकाल भी सकते हैं कि 64 को जब हमने फैक्टर करके निकाला तो मैंने 4 से इसको निकाल लिया, तो क्या बचा हमारे पास, 4 × 1 = 4, 2 कैरी हो गए तो कितना बचा 6। 4 को 4 के साथ किया तो क्या बना 4, और लास्ट में कितना निकला 1। तो क्यूब रूट हम तीनों का पेयर लेते हैं तो क्या बना हमारे पास, इस तरीके से जो हमने लिखा तो क्या बना ये 4। बोलेंगे कि इसका पूरे का जो आंसर है वो कितना है 4। ऑप्शन आपको दिए थे, ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट है। दूसरे पार्ट में किस तरीके से करेंगे, दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। यहीं पे देख लेते हैं, दोनों आपको देखने में आसानी हो जाएगी। यहीं पे कर लेते हैं इसको भी। दूसरा तरीके से इसी क्वेश्चन को देखें, हमें था 8 रेस्ट पावर 2/3, तो हम 8 को चाहे 8 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, किस तरीके से 2 रेस्ट पावर 3 पावर में 2/3, इस तरीके से इस 8 8 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। 2 रेस्ट पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8। अब मैंने बोला कि जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो आप जो है 3 से 3 को काट सकते हैं, तो क्या बचा आपके पास 2 रेस्ट पावर 2, तो क्या पर आपका आंसर बना 4। तो ये भी मेथड है और ये भी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए रेशो बी, ए अनुपात बी जो आपको 2:3 दिया है, एंड बी अनुपात सी जो आपको 4:5 दिया है, 4:5 दिया है, और देन सी अनुपात ए क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इफ आप यदि बोल सकते हैं, एंड का आप तथा बोल सकते हैं, और देन को आप तब बोल सकते हैं। थोड़ा सा पेन
ढंग से नहीं चल रहा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है, और आगे भी आपको ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। इसके ऑप्शन आपको दिए थे 15:8, ऑप्शन बी था 6:5, ऑप्शन सी था 8:5, और डी था 8:15, 8:15। ये आपको ऑप्शन दिए थे और ये आपका ऊपर क्वेश्चन था। तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं इनको निकालने के भी बहुत से मेथड, बट जो सिंपल मेथड है वो आपको बताता हूँ। मान लो पहले तो हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है, a:b कितना है, वो है 2:3, और b:c कितना दिया है, 4:5। साथ में हमें बोला है कि c:a क्या होगा, ये क्वेश्चन में बोला है। इसको करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मेरे पास x बाई हैं, दो उनकी वैल्यू हमें दी है a:b, और साथ में मेरे पास थे y:z, तो उनकी वैल्यू थी मेरे पास m:। जब हम इनको सॉल्व करते हैं, मान लो मैंने तीनों निकालने हैं, तीनों निकालने हैं, तो जो m है पहले इसको a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, m को जो है फिर b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और लास्ट में जो है एन को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरीके से, जैसे मैं लिख रहा हूं ए मल्टीप्लाई बाई एम किया तो कितना आया am:, में एम को मैंने बी के साथ किया तो कितना आया bm, और लास्ट में क्या बोला मैंने एन को बी के साथ करेंगे तो कितना आया bn। इस तरीके से, तो इस तरीके से जो आप आपका आंसर जो है निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो हमें ए बी और सी फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने बोला 4 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप इनको एम एन भी मान सकते हैं, इसको आप एम बोल सकते हैं, इसको एन बोल सकते हैं, इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या निकला, 4 को 2 के साथ किया तो 8, साथ में 4 को 3 के साथ किया तो 12, और लास्ट में 5 को 3 के साथ किया तो 15। तो आपको ए और सी पूछा था, सी और ए पूछा था, तो सी में क्या आपका, सी में आपका 15:, ए में क्या है 8, तो ये आपका आंसर रहेगा, ये वाला आपका आंसर रहेगा पूरा। तो ऑप्शन देखो कौन सा ठीक है आपका, ऑप्शन जो है ए। आपका ए, राइट। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। समझ आया वाला क्वेश्चन? बहुत अच्छे से समझ आया, इसी में कंफ्यूज थी मैं। ओके ठीक, अब लग गया पता कैसे करने हैं? जी सर, बहुत अच्छे से ओके समझाया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा क्वेश्चन चलेगा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवां, छठा, जो भी है देखो। नेक्स्ट है, 5% के 3% का प्रतिशत कितना होगा, ये क्वेश्चन आपको आया था। 5% के 3% का प्रतिशत कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अगर कोई इंग्लिश वाला है तो वो भी लिख सकता है, बट परसेंटेज 3% ऑफ 5%। जब कभी आपको परसेंटेज दी होती है इस तरीके से, इसका मतलब होता है 1/100, 1/100। जैसे इसके पीछे परसेंटेज लगा है तभी आप, आपने जो आप ओन में 100 लिखना है, यहां पर भी
जैसे नीचे परसेंटेज साथ में परसेंटेज लगा है तभी आपने नीचे 100 लिखना है। कई क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूज करते हैं कि जो 100 है वो कहाँ पे लगाए, जिसके साथ प्रतिशत लगा होता है पीछे, परसेंटेज लगा होता है उसी को जब हम खोलेंगे तो उसको जो हम इस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से, जैसे 3% लिखा है तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 3/100। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5% के 3% का प्रतिशत कितना होगा, तो किस तरीके से करेंगे, जो बोला है वही लिखेंगे हम, 5/100 मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई 3/, थोड़ा सा यहाँ पे तीन बटे सौ। अब बोला है कि सॉल्व करके क्या आएगा, ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए था पंद्रह प्रतिशत, ऑप्शन बी है 1.5%, ऑप्शन सी है 0.15%, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। जो भी है सॉल्व कर लो इसको, ये आपने सॉल्व, किसी ने इसका जो आंसर है इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से, ऊपर वालों को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बना, मैंने 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना है 15, और नीचे किए 100 को 100 के साथ तो कितनी जीरो है, टोटल 4। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है बट जो आपके आंसर हैं वो डेसिमल फॉर्म में है, तो आप इनको लिख लें, तो इसको जब हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जितनी जीरो होती हैं डेसिमल के बाद आपको उतने डिजिट चाहिए, किस तरीके से, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 2 0 और 15। जब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो घुमा के जो आपका ये वाला बन जाएगा, मेरे बोलने का मतलब है कि डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट यहाँ पर होने चाहिए, तो ऊपर तो आपके पास 15 थे, 15 थे, 2 डिजिट थे, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर दो जो जीरो है वो लगा ली, तभी जो आपका आंसर जो क्या निकला ये वाला। आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में जो आपका कोई भी ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं और आप जो है गलत कर देते हैं कि इसका आंसर जो है मैक्सिमम जो ऑप्शन सी को कर देंगे, बट इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी।